वी द पीपल, हम भारत के लोग जब मीटिंग करते हैं तो लोग कहते हैं कि दफ्तर बनाना चाहिए। वी द पीपल का काम बढ़ रहा है, बहुत लोग हो गए हैं पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर भी, तो अब इसका ऑफिस बनाना चाहिए, बाकायदा मेंटेन करना चाहिए। तो वी द पीपल कहता है कि हर घर हमारा ऑफिस है। जो भी समण समाज के व्यक्ति हैं, SC ST OBC हैं, उनका हर घर हमारा ऑफिस है। हमारे पास पैसे नहीं हैं खर्च करने के लिए, ना ही हम पैसे इकट्ठे करते हैं। हर व्यक्ति को काम करना पड़ेगा। जो व्यक्ति इसमें एक्टिव कार्य कर रहे हैं उनको अपने घर को ऑफिस में बदल लेना चाहिए, अपने संसाधनों को ऑफिस की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, उन्हें खुद ऑफिस का कार्यकर्ता बन जाना चाहिए, अपने बच्चों को उसमें लगाना चाहिए। थोड़ी थोड़ी अगर एक एक बूंद भी सभी लोग इकट्ठा करेंगे तो ये समुद्र बन जाएगा। और अगर कहीं ऑफिस बनाया और उसमें 2-4-5 लाख का खर्चा हुआ तो जैसे बाकी सबका धंधा है, फिर तो चंदा मांगना पड़ेगा, धंधा करना पड़ेगा, फिर ऑफिस का पैसा कहीं इधर कहीं उधर। हम जीत नहीं पाएंगे, हार जाएंगे, क्योंकि आज तक जिन्होंने भी ऑफिस बनाए हैं, जिन्होंने भी ट्रस्ट बनाए हैं, जिन्होंने भी ज़मीनें बनाई हैं, उनमें झगड़े ही पैदा हुए हैं, हम इकट्ठे नहीं हो पाए। इसलिए कृपया करके अपने घरों को ऑफिस में बदल लें और अपने घरों के ऊपर दफ्तर पे लिख दें। सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों दफ्तर होंगे तो हम वैसे ही जीत जाएंगे, हमें दफ्तर अलग बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर व्यक्ति इसका कार्यकर्ता है, हर घर इसका दफ्तर है। सबको वी का लोगो, जो ये वी लिखा हुआ है, अपने घर पे चिपका लेना चाहिए, अपने काम पे चिपका लेना चाहिए, अपनी गाड़ी पर चिपका लेना चाहिए, अपने स्कूटर पर, अपने साइकिल पर चिपका लेना चाहिए। जहाँ भी जाएं, अपनी किताब पर, अपनी कॉपी पर, अपने घर में, अपनी रसोई में, बल्कि इस वी को इतना ज़्यादा चिपका लें कि आपको लगे कि बस वी है, तो आपके सारे घर वी के हो जाएंगे। वी का मतलब हम हो जाएंगे, मैं से हम हो जाएंगे तो हम वैसे ही जीत जाएंगे। इसलिए हर घर दफ्तर है, हर व्यक्ति वी है, हर व्यक्ति वी द पीपल है, हर व्यक्ति हम भारत के लोग हैं। हम ही भारत हैं, हमें ही चलाना है, हमें ही अपने आप को बचाना है। वी को लगाइए और अपने घर को दफ्तर बनाइए। धन्यवाद।